इंटरनेट या व्हाट्सएप कॉलिंग को लोग बेहद सुरक्षित माना, तो खासतौर से अपराधी इन कॉल को उपयोग करने लगे हैं अपराध के लाने। लेकिन महोबा में पुलिस ने चर्चित मार्बल व्यापारी से 50 लाख रुपया की फिरौती मांगने वाले हाईटेक बदमाश को इंटरनेट की कॉल को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लो और आरोपी को मुकदमा दर्ज करके जेल पहुंचा दोगो। पुलिस की गिरफ्त में खड़ो जो युवक कोनू मामूली व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो सातिर बदमाश है जो इंटरनेट कॉल के जरिए पिछले 2 महीना से महोबा शहर के चर्चित मार्बल व्यापारी संजीव कुमार से 50 लाख रुपया की फिरौती की मांग कर रहो। तो 16 अगस्त से जो पूरा सिलसिला शुरू भाव और उसके बाद उन्हें कॉल फ्री ऐप डाउनलोड करके मार्बल व्यापारी से 50 लाख की फिरौती मांगी और ऐसो नहीं कर भी पे जान से मारवे की धमकी दई। इस पूरे मामले में व्यापारी ने शहर कोतवाली पुलिस और SP को प्रार्थना पत्र दो और पूरे मामले में जांच की मांग करत भाई अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई और इसके बाद पुलिस ने ई आरोपी के इंटरनेट कॉल को ट्रेस करे और आखिरकार SOGTM और भट्टीपुरा चौकी पुलिस ने इस शातिर बदमाश विकास राजपूत को गिरफ्तार कर लो है जो महोबा शहर के पुराने नेकाना को रेबेवारो बताओ गो है। ये थाना कोतवाली में और ये 16 और 17 अगस्त की घटना है। सबसे पहले पत्र के माध्यम से, उसके बाद इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से, और जो व्यवसायी हैं उनसे 50 लाख रुपए की मांग की गई और न दिए जाने पर उनको और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके संबंध में थाना कोतवाली पे मुकदमा रजिस्टर कर लिया गया था। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से इस व्यक्ति की जानकारी की गई और जानकारी होने के पश्चात इसकी गिरफ्तारी आज की गई है और इसको जेल भेजा जा रहा है और अन्य साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल करे गए मोबाइल फोन, धमकी के लेटर की कॉपी मोबाइल में बरामद करी है और व्यापारी को सुरक्षित बचा लो है। महोबा से भरत त्रिपाठी, बुंदेली, बोछार किलाने।